नमस्कार, मैं रितेश कुमार केसरी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। प्रयागराज जिला के मांडा ब्लॉक अंतर्गत मांडा ग्राम पंचायत मांडा खास निवेरिया बस्ती से भट्टी जाने का है मार्ग। यह मार्ग है लगभग 3 किलोमीटर का, 100 मीटर ही बनाकर दिया गया छोड़, जिससे बरसात होने पर भर जाता है पानी। ग्रामीणों को आने जाने में होती है बहुत ही दिक्कत, जबकि हजारों से ज़्यादा किसानों का है खेत, लेकिन संबंधित अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। आइए ग्रामवासियों से जानते हैं कि क्या है मामला यहाँ का। जी, आपका नाम क्या है? ननकू। ननकू, यह कौन सा मार्ग है आपका? कच्ची मार्ग। कौन से ग्राम सभा में जाता है, मतलब ग्राम सभा कौन सा है? मांडा खास ग्राम सभा है। तो यह पानी कब से लगा रहता है यहाँ पर? अरे यहाँ मेरे नच्चो पानी ना, नाली बा भैया नहीं में कुछ बाटे, नच्चो पानी बस हम पूरा बुढ़िया थे समय अंदर। मतलब जो खेतों का पानी, सड़क का पानी यहाँ बारिश में होती है ना, जल निकासी न होने के कारण नाली वाली कुछ है नहीं, कहाँ से निकले। अच्छा अच्छा, इस कारण से भरा रहता है। ये कब से ऐसी स्थिति है यहाँ? अरे सब दिन भरा रहता है, अब हम बहुत लोग बहुत परेशान हैं यहाँ। सब दिन भरा रहता है, ठीक है जी। आपका नाम क्या है? बसंत लाल। यह बताइए कि आपका घर इस सड़क पर पड़ता है उस तरफ? हाँ। तो यह बताइए कि यह पानी कब से भरा रहता है यहाँ पर? यहाँ पानी तो हमेशा भरा रहता है जी, माने बरसात के समय में भी अधिक दिक्कत होता है। तो यहाँ आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है, पैदल भी नहीं आ जा पाते। इस विषय में आप सरकार से या ग्राम विकास अधिकारी से, खंड विकास अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? भाई इसका नाली बन जाए और यहाँ खड़ंजा या जो भी व्यवस्था हो सरकार की। जी जी, करें, ठीक है। दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।